हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 7th of January 2020। तो 7 जनवरी 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। दोज़ हु वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल फॉर द न्यूज़ एनालिसिस हिंदू PIB इंडियन एक्सप्रेस योजना कुरुक्षेत्र फॉर दैट दे कैन जॉइन इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है क्रायोडेकॉन बोरियस दैट वॉज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो क्रायोडेकॉन बोरियस इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज इट वॉज द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल विच वॉज प्लेन साइज रेप्टाइल। सेकेंड इज इट इज अ कॉमेट विच इज अप्रोचिंग अर्थ एट अ वेरी फास्ट रेट। थर्ड इट इज अ रेनबो दैट लाइक रिफ्लेक्शन सीन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। डी इट इज एन मैमल दैट लिव्स डीप इन द ओशियन। कॉमन सेंस है, आंसर आप करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज से रिलेटेड कौन सा है? फर्स्ट इज इट इज अ न्यू कमिटमेंट टू द डीफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड फॉर द रिस्टोरेशन। सेकेंड इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन व्हीकल फॉर नेशनल प्रियोरिटी सच एज फूड एंड वाटर सिक्योरिटी वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसल बैन अमेंडमेंट। तो बेसल बैन अमेंडमेंट से क्या रिलेटेड है? फर्स्ट it provides for the prohibition of all the transboundary movement of hazardous waste from all developed nations to the developing countries. Second, India has ratified the Basel Ban Amendment. So which of the following are correct? One only, two only, both here, none? Please do try to answer these questions in the comment section below. Now let's start the news analysis. Delhi poll on Feb 8th, counting on Feb 11th. तो 8 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शन होंगे, वहाँ पे आचार संहिता लागू हो गई क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल घोषित कर दिया। जब शेड्यूल घोषित कर दिया जाता है तो फिर आप सबको पता है कि जब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल घोषित कर देती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो अप्लाई हो जाता है, यानी कि आचार संहिता अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे हम सीखेंगे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप सबको पता है ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द इलेक्शन कमीशन। ओके, तो आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स दैट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्शन कमीशन इनमें से किसके इलेक्शन कराती है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन इनमें से कराती है पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। क्योंकि कभी कभी लोगों को थर्ड पंचायत के इलेक्शंस में भी टिक कर देते हैं, ऑप्शंस में पंचायत के इलेक्शंस रहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि पंचायत के इलेक्शंस जो है वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ आगे बात करते हैं कि कौन अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर ऑफ द इलेक्शन एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एंड इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है 6 साल का एंड 65 ईयर्स का। 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। तो इलेक्शन कमिश्नर का टर्म्स होता है 6 ईयर एंड 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, एंड दे रिसीव द सेम सैलरी एंड पर्क्स एज अवेलेबल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसा ही रिमूवल होगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसमें नहीं लिखा है कि आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और नॉट, क्या वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या उनका कोई क्वालिफिकेशन मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे करिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम जो हम डिस्कस करेंगे, आगे की तरफ मूव होते हैं। आपको जेएनयू का इशू पता होगा, जेएनयू में भी कुछ जो गूंस थे दे इंटर्ड इनटू द जेएनयू हॉस्पिटल एंड बीटन अप ब्रूटली द स्टूडेंट्स देयर। ओके, तो उसके कारण काफी ज्यादा पोलिटिकल टर्मोइल है देखने को एंड काफी ज्यादा आर्टिकल्स आ जाए हैं। एयर क्वालिटी रिमेन्स वेरी पुअर, एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टूडे। अब एयर क्वालिटी की बात चल रही है तो फिर से बता देते हैं कि एयर क्वालिटी जो मॉनिटर होती है इंडिया में वो सफर सिस्टम की तरह, सफर सिस्टम के थ्रू मॉनिटर होती है। ओके, ये याद रखिएगा, सफर सिस्टम। एंड सफर सिस्टम बेसिकली आपका वेदर फोरकास्टिंग का भी काम करता है, वेदर फोरकास्टिंग का काम करता है। 72 आवर्स एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग की जाती है इसमें, और जो एयर क्वालिटी वो 6 अलग-अलग कैटेगरीज में नापी जाती है। गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ये अलग अलग 6 कैटेगरीज हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मेजर किए जाते हैं, PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, O3CO
NH3 यानी कि अमोनिया एंड PV यानी कि लेड। तो ये 8 अलग अलग पॉलिटेंट्स है जो कि मेजर किए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं देता हूँ, देखो ये तो हो गया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है ना, इसको मॉनिटर कौन करता है, लेकिन याद रखना CPCB मॉनिटर करता है, CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर करता है। एक और होता है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो व्हाट इज दिस एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें 4 और नए पॉल्यूटेंट्स जुड़ जाते हैं। ओके तो वो 4 एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं ये आप मुझे जरूर बताएगा, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताइए कि कौन से 4 और पॉल्यूटेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताते, देखो सेंट्रल यहाँ पे लेवल जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे लेवल कितना था, लेवल देखने को मिलेगा चीफ पॉल्यूटेंट्स का लेवल 147.7 था। ओके सेफ लिमिट थी 60 की PM2.5 में। इसी तरीके ये लिमिट्स कौन सेट करता है, तो ये लिमिट बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेट करता है। WHO कब बना था, ये 1948 में बना था, आई थिंक 10th दिसंबर 1948 समथिंग लाइक दैट। ओके 1948 में लेकिन बना था, 1948 याद रखना, इट वॉज फॉर्मड इन 1948, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, बट 1948 में आपका WHO बना था, तो ये आप याद रख सकते हैं। WHO का हेडक्वार्टर आई थिंक जेनेवा में है। प्ली अगेंस्ट डीजी लॉकर रूल्स, सेंटर टोल्ड टू रिप्लाई, तो यहाँ पे बेसिकली वही हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे हैज सॉट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर ऑन अ पिटीशन अगेंस्ट द रूल्स पर्टेनिंग टू ऑपरेशन ऑफ डीजी लॉकर। तो डीजी लॉकर के अगेंस्ट किसी ने पिटीशन दायर की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से बेसिकली वही जवाब मांगा है कि आप बताइए क्या आर्बिट्ररी है, क्या क्या है। डीजी लॉकर बेसिकली है क्या, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, तो MeitY, ओके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, एंड इसका ये आता है डिजिटल लॉकर प्रोग्राम के अंदर, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, UPSC ने पूछा है क्वेश्चन, है ना। बेसिकली है क्या कि पेपरलेस गवर्नेंस, डिजी लॉकर एक तरीके से जैसे एक आपका डिजिटल लॉकर आपको मिलेगा जहां पे आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं। ओके आप क्या कर सकते हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं उनको फिजिकली ना कैरी करके आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में रख सकते हैं। ओके ये आपका जो अकाउंट रहता है ये आधार लिंक्ड रहता है, इट इज आधार लिंक्ड, और यहां पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट्स। ओके ये सब आप डायरेक्टली उसके अंदर रख सकते हैं, एंड दे कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली साइंड यूजिंग ई साइन फैसिलिटी। तो इसके अंदर ई साइन फैसिलिटी भी है, तो आप उनको साइन करके आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है कि आपको हर समय अवेलेबल है, ऑनलाइन अगर आप हैं तो आपको ये आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहेंगे। अगली चीज़ें टाइम रिड्यूस करता है आपका, जो फिजिकल कैरी करते हैं पेपर वर्क को कम करता है, आपका पेपर कैरी करने का जो वेट है ये सारी चीज़ें कम रहती है। ई साइन फैसिलिटी से आपको सेल्फ अटेस्टेशन की पावर मिल जाती है, जो ई साइन फैसिलिटी है उसे आप सेल्फ अटेस्टेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये इसी से एसोसिएटेड है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यहाँ पे। सो वी कैन मूव फ्रॉम हेयर, यहाँ कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है। ओके ICAR टू सेटअप इनोवेशन फंड टू हेल्प फार्मर्स, तो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ICAR जो है वो एक फंड सेटअप करेगा। ओके ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, बेसिकली दे विल सेटअप अ फंड टू हेल्प द फार्मर्स। ओके अब देखें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अभी एक और चीज़ की गई है इसी के साथ कि एक दिल्ली में एक इनोवेशन सेंटर भी ओपन किया गया है, एंड इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। ओके अब यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च होगी और एक रिसर्च के साथ उन फार्मर्स की हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ओके ताकि फार्मर्स की हेल्प की जा सके। अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू इनकरेज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फार्म सेक्टर इज ऑल्सो देयर, कि फार्मर्स को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने जो फार्म सेक्टर्स हैं फार्म सेक्टर में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टेक्नोलॉजी के यूज से फार्मिंग एक तो ईजी हो जाती है, दूसरी चीज़ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। ICAR की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की, तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर आता है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सॉरी इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते थे, इट वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 में, तब ये कहलाती थी इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो याद रखिएगा ICAR जो है उसको इनिशियली इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बोलते थे, बनी थी 16 जुलाई 1929 को, और तब ये रजिस्टर्ड थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। ओके याद रखिएगा।
एंड ये बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर. तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर थी, उसके रिपोर्ट पे ये बनी थी. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. इसके काम है बेसिकली कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, मैनेज करना और एजुकेट करना एग्रीकल्चर के फील्ड में, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में, फिशरीज के फील्ड में एंड एनिमल साइंस के फील्ड में. तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस, इन चार फील्ड्स को ये देखता है. लगभग 101 ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री में जो कि फैले हुए हैं. एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. 600 चेक डैम्स टू बी बिल्ट अक्रॉस तेलंगाना. तो जो आपका तेलंगाना स्टेट है वहाँ पे लगभग 600 बैक चेक डैम्स बनाए जाएंगे. ओके, तो ये भी याद रखिएगा. चेक डैम का क्या है बेसिकली, काम क्या है, इट विल नॉट ओनली रिटेन एक्सेस वाटर. तो जो एक्सेस वाटर है उसको रिटेन करने का काम रहता है, बट इट ऑल्सो इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल. तो चेक डैम के दो काम रहते हैं, एक तो एक्सेस वाटर को चेक करता है, चेक एक्सेस वाटर मतलब उसको रोक के रखता है. दूसरा उसका एक काम वाटर जो ग्राउंड लेवल है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है. तो इससे क्या होता है बेसिकली, जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रहती है स्टेट्स में, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रहेगी वो भी सॉल्व करने की कोशिश चेक डैम्स करते हैं. तो बेसिकली ये सारे इश्यूज हैं जो कि चेक डैम होता क्या है. इट्स अ स्मॉल समटाइम्स टेम्पररी डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्वेल ड्रेनेज डिच और वाटरवे टू काउंटर एक्ट इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्लो वेलोसिटी. तो चेक डैम भी वही है कि वाटर फ्लो वेलोसिटी को कम करके वो रोकता है. और इसके जो बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, एक्सेस वाटर को रिटेन करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ को मतलब एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर की जो कमी होती है स्कर्सिटी उसको दूर करता है. चेक डैम देमसेल्व्स आर नॉट अ टाइप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, रादर दे आर एंशियंट टेक्निक्स डेटिंग फ्रॉम सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी AD. तो सेकेंड सेंचुरी AD से चेक डैम चले आ रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है. ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा पुरानी, सेकेंड सेंचुरी AD से ये चले आ रहे हैं. कैटल फेस्टिवल टर्न्स जलीकत्तू इवेंट इन कुप्पम. ओके, तो जलीकत्तू आप सबको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एक साल. जलीकत्तू क्या है, इट इज़ रिफर्ड टू एज बुल टेमिंग इवेंट. बुल टेमिंग इवेंट इज स्पेशली इन तमिलनाडु. ओके, बुल टेमिंग इवेंट स्पेशली इन तमिलनाडु. और अब आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. दो और रेसेस होती हैं. ओके, एक तो होती है कम्बना. ओके, क्या होता है कम्बाला रेस बोलते हैं ना उसको. एक और आंध्र प्रदेश में होती है. तो ये आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो रेसेस हैं उनको क्या बोलते हैं याद रखिएगा. जलीकट्टू आपको पता है ना, बुल टेमिंग इवेंट है जो कि स्पेशली तमिलनाडु में होता है. काफ़ी ज़्यादा इशू आया था बीच में इसको लेकर के, तो ये आपको पता होना चाहिए. न्यू सैटेलाइट्स विल हेल्प गगनयान क्रू. अब K-7 यानी कि जो इस समय इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने एक बोला है कि एक नया सैटेलाइट सिस्टम बनाया जाएगा, वो हेल्प करेगा जो गगनयान का क्रू रहेगा और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में वो हेल्प करेगा. तो इसको उन्होंने नाम दिया है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. याद रखिएगा इसका नाम इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. ओके, तो K-7 ने इसका नाम दिया है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. एक नया सैटेलाइट सीरीज होगा ये जो कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने वाला है. अब ये कैसे हेल्प करेगा देख लेते हैं. तो IDRSS जो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है, दैट इज प्लान्ड टू ट्रैक एंड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद इंडियन सैटेलाइट्स. तो इसको ये प्लान करके डाला जा रहा है कि ये हर समय सैटेलाइट्स के टच में रहेगा. इट विल बी इन टच विद द इंडियन सैटेलाइट्स, इन पर्टिकुलरली दोज इन द लो अर्थ ऑर्बिट्स. जो लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स है पर्टिकुलरली उनके साथ तो ये हर समय टच में रहेगा. एंड ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. ओके, ये मैंने वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं, तो ये मत सोचिए कि मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है. तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इज प्लान्ड टू ट्रैक एंड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इंडियन सैटेलाइट्स, इन पर्टिकुलरली विद दोज इन द लो अर्थ ऑर्बिट. तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. इट विल ऑल्सो भी यूजफुल इन मॉनिटरिंग लॉन्चेस. जो लॉन्चेस होते हैं ना, जो आगे आप PSLV में लॉन्चेस होंगे तो उनको भी मॉनिटर करने का काम करेगा. द फर्स्ट बेनिफिशियरी, जब पहला प्रोग्राम जो इसका बेनिफिट उठाएगा वो रहेगा गगनयान मिशन 2022 का. 2022 का जो गगनयान प्रोजेक्ट है वो पहला प्रोजेक्ट रहेगा जो कि इसका बेनिफिट उठाएगा. एंड इट कैन बी फुल्ली एंड कंटिन्यूसली इन टच विद द मिशन कंट्रोल थ्रू आउट देयर ट्रेवल. तो थ्रू आउट द ट्रेवल कंटिन्यूसली टच में रहेगा ये इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम. During the launch of the human mission and also when the crew craft orbits Earth from the distance of 400 km, मतलब अब ये बता रहा है कि कैसे उस समय जब ये लॉन्च होगा, at least one ground station must see and track it. देखो necessity है कि कम से कम एक ground station को तो समय इसको track करना ही पड़ेगा. But with the available ground stations, that would not be the case. लेकिन अगर अभी जो available stations है इंडिया में वो उनसे ये possible नहीं हो पाएगा. इसलिए हमको data relay satellite system
बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डाटा रेल सेटेलाइट सिस्टम नहीं बनाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ग्राउंड एक तो स्टेशन सेटअप करने पड़ेंगे, प्लस हमको बहुत ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस हमको बहुत ज़्यादा खर्चा भी आएगा। तो इससे हम इंडियन डाटा रेल सेटेलाइट सिस्टम अगर बना लेते हैं तो हम हर बार के लिए फ्री हो जाएंगे और अपना एक जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ें, इट इज सेट टू ट्रैक सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट्स। द प्रोजेक्ट विल एड द गगनयान प्रोजेक्ट, वर्क ऑन द टू IDRSS सैटेलाइट्स हैव ऑलरेडी बिगन। तो ये इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम जो है इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स रहेंगी, उनमें से दो सैटेलाइट्स में काम शुरू भी किया जा चुका है। ओके, तो ये आपको याद रखना, K-7 इज द चेयरमैन ऑफ इसरो चीफ, इज द इसरो चीफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एडिटोरियल्स में हम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला एडिटोरियल था मास्क ऑफ एनआरकी। अब ये जो है ये JNU के ऊपर जो अटैक हुआ, ब्रूटल अटैक ऑन द JNU स्टूडेंट्स, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। ओके, एंड आप सबको पता है कि अ मॉब ऑफ मास्ड क्रिमिनल्स रैनसैक्ड द हॉस्टल एंड ग्रीवियसली वुंडेड द स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे वुंडेड कर दिया गया, मारा गया, पीटा गया। इनफैक्ट आई जो JNU की जो स्टूडेंट यूनियन की लीडर थी है ना, तो उनको भी मारा गया, दो शी इज अ गर्ल। बात यहाँ पे सिंपल सी यही है कि आप ठीक है जो इस तरीके की चीज़ें ठीक है अगर हो भी गई हैं तो गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, एटलीस्ट दे शुड गो हैवली अपॉन दोज हु ब्रूटली अटैक्ड द स्टूडेंट्स, उनके अगेंस्ट जाना चाहिए जिन लोगों ने अटैक किया। अदरवाइज जो ये स्टेट है ये स्टेट ऑफ एनआरकी कहलाएगा। एनआरकी का मतलब क्या होता है, स्टेटलेस, मतलब कि जब स्टेट कोई एक्ट ना, अगर कोई स्टेट नहीं है तो एनआरकी है। ओके, तो इस तरह से अगर इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं कि हुलिंगाइज्म और इस तरीके से गुंडाइज्म जिसको कहते हैं, गुंडाइज्म जो टर्म है, गुंडा राज जिसको बोलते हैं बेसिकली, तो अगर इस तरह से कैंपसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर वो चलने लगेगा तो फिर क्या हो पाएगा। अगर प्रोटेस्ट का आप इस तरीके से उसको दबाने के लिए इस तरीके से आप फोर्स का यूज़ करते हो, देन दैट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, देन दैट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फ्री रिपब्लिक। तो हमारे इंडिया जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा पहले से इन सब चीज़ों में आगे रही है। इनफैक्ट अगर हम आज बोलते हैं कि इस तरीके के साइलेंट प्रोटेस्ट भी आप नहीं कर सकते हैं या प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो वो जो महात्मा गांधी करते थे या जो भी जिस तरह से हम आज़ाद हुए, वो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी फिर, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आपको ठीक है आपका पुलिस फोर्स रहती है, आपका एक गवर्नमेंट प्रोसेस रहता है किसी भी चीज़ को कर्व करने का, इवन इफ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है तो भी गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू आपको कर्व करना चाहिए, ना कि इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स, इस तरह के जो प्राइवेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गुंडे जो हैं बेसिकली, उनका यूज़ करके नहीं करना चाहिए। तो दैट इज़ माई व्यू पॉइंट एक्चुअली, एंड इट वॉज द मास्क ऑफ एनआरकी कहा जा रहा है, द टर्म इज मास्क ऑफ एनआरकी। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये दिखे कि इट इज़ नॉन सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट, दिस अटैक वॉज नॉट सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट, तो एटलीस्ट दे शुड एक्ट अपॉन द एक्ट अपॉन दोज हु हैव डन दिस, है ना। उनको पता लगाना चाहिए, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वॉट द डिमांड इन द आर्टिकल इज। ओके, एंड कैंपसेस के अंदर ये सारे आर्टिकल्स आप वही हैं बेसिकली, स्टूडेंट्स इन द वैनगार्ड ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, तो वही सारी चीज़ें हैं कि जो हो रही हैं दैट इज़ नॉट करेक्ट। स्टूडेंट्स जो रहे हैं हमेशा से प्रोटेस्ट का एक हिस्सा रहे हैं। आप ये भी नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, देखो खुद ऐसा आप क्यों नहीं बोलो, क्योंकि महात्मा गांधी इनफैक्ट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू लीव द कैंपसेस, ही अर्ज द स्टूडेंट्स टू कम आउट, है ना। वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर आए थे, उनके साथ मिलके उन्होंने काम किया था, लॉयर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो अगर इस तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है इस कंट्री में, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि वो एक वैलिड प्रोसेस है ना, वैलिड प्रोसेस है। तो आप ये नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट सेपरेट द पॉलिटिक्स एंड यू कैन नॉट सेपरेट द पॉलिटिक्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पॉलिटिकल बिल्कुल माहौल नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात कि डू यू रियली वॉन्ट टू मेक योर इंस्टीट्यूशन ए पॉलिटिकल, क्यों आप चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन ए पॉलिटिकल हैं। आपकी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो ए पॉलिटिकल हो, दिस इज़ माय वे पॉइंट। सो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे प्रभात पटनायक का भी कहना है। सो दैट वॉज द थिंग। यहाँ पे अभी बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करने लायक नहीं है। द US इज वीकेंड बाय स्लिमानीज किलिंग, ये डिस्कस हम करेंगे। आज के आर्टिकल्स वैसे इंडिया के ऊपर थी नहीं कोई, एक ये टूलू वाला बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। इम्पैक्ट ऑफ स्लिमानीज किलिंग, अब बेसिकली यहाँ पे भी ऑथर ने ये बोले कि ये मिसजज कर दिया USA ने, उनको लगा कि दे आर अटैकिंग ईरान, बट एक्चुअली दे अटैक्ड नॉट ओनली जस्ट ईरान, दे अटैक्ड इराक ऑल्सो। एंड वहाँ पे इराक ने क्या समझा है उसको, देखो इराक का भी एक लीडर किल हुआ है,
एंड ईरान में ऐसा व्यक्ति किल हुआ है बेसिकली हु वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड लीडर एंड हु हैड अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ही हैड अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एज वेल। तो आपने किसी टेररिस्ट को नहीं मारा है, आपने एक लीडर को मारा है अच्छे खासे। एंड ये जो चीज़ थी ये मिसजज हो गई नॉट ओनली यूएस बट उनके जो एलाइज हैं उन्होंने भी बोला है कि ये अटैक जो था ये सही नहीं हुआ, दिस वॉज नॉट डन एंड दिस वॉज नॉट जस्टिफाइड। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली है एंड इट वॉज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन इन इराक, है ना, इट वॉज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट इराक। अगली चीज ऑथर ने यहाँ पे ये बोली कि यहाँ इस कारण से जो ईरान है वहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो गई, दिस हैज डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड नाउ दे आर रेडी फॉर फेसिंग एनी टाइप ऑफ वॉर स्ट्रगल। अब वो किसी भी तरीके के मिलिट्री वॉर स्ट्रगल को फेस करने के लिए भी तैयार है। तो बेसिकली दिस हैज डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म, दिस हैज डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन ईरान, है ना। तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हुई हैं एंड इराक भी यूनाइट हो गया है एंड दे हैव पास द रेजोल्यूशन। आपको पता है कि उन्होंने यूएस फोर्सेज को बाहर निकालने के लिए एक रेजोल्यूशन भी पास किया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, दिस अटैक ऑन इराक एंड ईरान, इट शोज द वीकनेस ऑफ यूएस पोजिशन, यूएस की जो पोजिशन है वो वीक हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप शायद चीज को नहीं समझ पा रहे थे, नाउ हाउ ही विल रिटेलिएट टू दिस और हाउ ही विल ट्राई टू डीस्केलेट द प्रॉब्लम्स, ये देखने वाली बात रहेगी। ओके, बट यूएस इज वीकेंड बाय द स्लिमानी किलिंग, यूएस की जो पोजीशन थी इराक में और यहां पे काम करने की सेंट्रल एशिया में, तो वो उनकी वीक हो गई है। अ केस फॉर इंक्लूडिंग टूलू इन द 8th शेड्यूल, अब आपको 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पता है जिसमें कि ऑफिशियल आपकी लैंग्वेजेस रहती हैं, ओके, आपकी लैंग्वेजेस रहती है जो इंक्लूड की जाती है, ओके। सो 22 अभी तक लैंग्वेजेस हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं इन द 8th शेड्यूल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिए कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी जिसके बहुत कम स्पीकर्स हैं, चाहे आप संस्कृत का एग्जाम्पल ले लो, इट्स एन 8th शेड्यूल लैंग्वेज जिसके केवल 24,821 स्पीकर हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के 17,61,000 स्पीकर्स हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कुछ ऐसी अनशेड्यूल्ड लैंग्वेज की जो कि इंक्लूडेड नहीं है, उनके बहुत ज़्यादा स्पीकर्स हैं। फॉर एग्जांपल भीली भिलोड़ी, भीली जो लैंग्वेज है उसके 1,04,13,637 स्पीकर्स हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा स्पीकर्स हैं। गोंडी की अगर हम बात करें गोंडी की तो 29,84,453 स्पीकर हैं। गारो के 11,45,323 स्पीकर हैं। हो भाषा के 14,21,000 है। खानदेशी के 18,60,000, खासी के 14,31,000 और उराव के 19,88,000। टूलू भी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन का। ऑथर ने बोला है कि ये लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों, क्योंकि टूलू एक ड्रविडियन लैंग्वेज है, भले दो डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, कर्नाटका के कासरगोड एंड केरला में, दो स्टेट्स में बोली जाती है, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ पे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को सप्त भाषा संगम भूमि भी कहा जाता है, कासरगोड को सप्त भाषा संगम भूमि यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 लैंग्वेजेस कहा जाता है, सप्त भाषा संगम भूमि, एंड टूलू इज वन अमंग द 7 लैंग्वेजेस। सेंसस की हम बात करें तो टूलू के 18,46,000 स्पीकर्स हैं, ओके, 18,46,000 स्पीकर्स थे। और टूलू के जो स्पीकर्स हैं वो संस्कृत मणिपुरी इन सबसे ज़्यादा हैं, विच हैव अ 8th शेड्यूल स्टेटस। तो आपको धीरे धीरे देखो किस लैंग्वेज का इनिशियली क्या इम्पैक्ट था वो नहीं, आपको प्रेजेंट में देखना है ना कौन सी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा वाइडस्प्रेड है, है ना। तो ये जो लिस्ट है 8th शेड्यूल की ये भी आपको अपडेट करते रहना चाहिए, दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। एंड आपको टूलू कल्चर को प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है कि वो डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके साथ, तो आपको उसको भी प्रमोट करना चाहिए। ऑथर ने बोला कि टूलू और दूसरी लैंग्वेजेस भी डिजर्व करती हैं 8th शेड्यूल का स्टेटस, ऐसा नहीं कि ये कुछ लैंग्वेजेस का वो रह के बन के रह जाए बस, तो और लैंग्वेजेस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, दिस इज द थिंग विच इज देयर, ओके। आगे बात करते हैं एनपीआर की। एनपीआर आपको पता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इस कंट्री में सेंसस के साथ कंडक्ट किया जाएगा, बट क्या सेंसस और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेम है, नहीं, दे आर नॉट सेम। डिफरेंसेस कुछ बता दो, सेंसस आपका आसाम में भी होगा बट एनपीआर आपका आसाम में नहीं होगा, एनपीआर विल नॉट बी कंडक्टेड इन आसाम, ओके, याद रखिएगा। सेंसस आपका दो चरण में होता है, एक आपका होता है हाउस टू हाउस सेंसस, दूसरा आपका होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सेंसस इज इन टू स्टेट्स, हाउस टू हाउस एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। एनपीआर आपका इस हाउस टू हाउस वाले स्टेज के साथ किया जाएगा, फर्स्ट स्टेज के साथ किया जाएगा। एनपीआर में रेसिडेंट्स को काउंट किया जाता है और रेसिडेंट्स को काउंट करने के लिए उनका जो रेसिडेंट की डेफिनेशन है वो ये कि आइदर यू हैव लिव्ड मोर देन 6 मंथ, 6 महीने ज़्यादा आप रहे हों, या
आप आगे 6 महीने ज़्यादा रहने का इंटेंड कर रहे हो या आगे आप 6 महीने ज़्यादा रहने वाले हो, तो ये दोनों कंडीशंस में आपको रेसिडेंट माना जाएगा, तो ये भी याद रखेगा। अब उड़ीसा जो है वो NPR का डेटा कलेक्ट करना शुरू करेगा। NPR के बारे में एक और चीज़ बता दो कि NPR पहली बार आया था 2003 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स में। क्या ये NPR का डेटा पहली बार कंडक्ट हो रहा है? नहीं, 2010 में ऑलरेडी NPR का डेटा कलेक्ट हो चुका है, 2015 में NPR का डेटा अपडेट भी किया जा चुका है। इस बार नई चीज़ क्या है NPR में? फिर आप पूछेंगे नई चीज़ क्या है, तो नई चीज़ ये है कि इस बार के NPR के डेटा में बहुत ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके पापा का, आपके मम्मी का, आपके पापा मम्मी का डिसेंट, आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड, ये सारा डेटा भी आप इंक्लूड किया जाएगा। अदरवाइज रेसिडेंट की डेफिनेशन बस में जो फिट बैठे उनको लेना चाहिए था, बट इस बार क्या है बेसिकली और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी निकाली जाएंगी और चीज़ें रखी जाएंगी। आगे बात करते हैं और क्या न्यूज आइटम्स हैं। चाइनाज PLA बिगिंस मेजर मिलिट्री ड्रिल इन तिब्बत। तो चाइना ने तिब्बत में बेसिकली मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है एंड हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज है। तिब्बत बॉर्डरिंग इंडिया में यहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट वेपन्स डिप्लॉय किए, टैंक्स डिप्लॉय किए एंड एक तरीके से बेसिकली ये भी एग्रेशन का ही पार्ट रहता है, क्योंकि तिब्बत खुद को इंडिपेंडेंट मानता है लेकिन ये इनको अपना पार्ट मानते हैं ना, ये वाली बात भी रहती है एंड ये सब याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इंडिया एंड चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कवर्ड 3488 किलोमीटर इंक्लूडिंग द बॉर्डर लॉन्ग अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। ये इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है आपका चाइना, ओके, तो ये आपको याद रखना है जरूर, ओके। आगे बात करते हैं, यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो 1917 विच इज अ वॉर एपिक, ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे वेज है 1917, तो उसको मिला है आपका बेस्ट ड्रामा मूवी, है ना, बेस्ट मूवी का अवार्ड एक तरह से मिला है। एंड क्वेंटिन टारांटिनो की मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, 3 अवार्ड आई थिंक मिले हैं। बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मिला है क्वेंटिन टारांटिनो वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। क्वेंटिन टारांटिनो की कोई भी मूवी आप देख सकते हैं, ओके। माई पर्सनल फेवरेट इज पल्प फिक्शन इज माई फेवरेट, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड, यू कैन वॉच दैट पल्प फिक्शन इज वेरी गुड मूवी, है ना, तो आप जरूर उसको देखेगा। एंड सैम मेंडिस वॉज द बेस्ट डायरेक्टर फॉर 1917, ये भी आपको याद रखना है। वैसे बॉलीवुड हॉलीवुड का बिल्कुल क्लियर है कि आप वॉर के ऊपर कोई भी मूवी बना दो ना, चाहे डनकर्क ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आप वॉर के ऊपर मूवी बना लो, आपका अवार्ड मिलना तय हो जाता है। टाटा मिस्त्री केस, NCLAT नो टू मॉडिफाइंग वर्डिक्ट। अब NCLAT ने बोला कि हम अपना वर्डिक्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे। आप सबको पता है कि टाटा में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था, पर उन्होंने केस किया कि मुझे गलत तरीके से हटाया गया है, तो NCLAT ने अभी रिसेंटली जजमेंट मार्च किया था कि हाँ इनको गलत तरीके से हटाया गया था, तो इनको वापस लो, आप अंदर लो। NCLAT की बात करें तो NCLAT बेसिकली आपका नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड इट इज़ हियरिंग द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ NCLT। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स रहते हैं उनके जो अपील्स रहती है वो आपकी NCLAT में जाती है, सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट, याद रखिएगा। इसके साथ इसके पास पावर है और दूसरे केसेस को सुनने की, फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 61 ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अपील्स भी हियर करता है। दूसरे सेक्शन 211 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स को भी सुनता है। देन NCLAT इज आल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर द केसेस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के केसेस को भी सुनता है। अब अगर कोई इन सब जजमेंट से खुश नहीं है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, देन आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा फॉर द रेमेडी। ऑयल टॉप्स $70 एज ईरान ट्रंप ट्रेड थ्रेट्स। तो आप सबको पता है ईरान में क्राइसिस शुरू हो गई है। अब ईरान की जब भी क्राइसिस शुरू होती है सबसे अधिक इंपैक्ट जो पड़ता है वो चीज़ पड़ती है आपके ऑयल के दामों पे, ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि ऑयल की प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो बाकी सबके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, इन तरह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो आपका फिर बेसिकली आपका बाकी सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो बेसिकली वही ये बता रहे कि जो ये डील थी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जो अभी एक तरीके से वॉर चालू हुआ है ईरान का, तो दैट शुड बी कर्व्ड, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फिर हमारे ऊपर, तो इंडिया के ऊपर इस खास इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हम अपना मोस्ट ऑफ द ऑयल जो है वो बाहर से खरीदते हैं ना।
शिवालिक द फर्स्ट यूसीबी टू कन्वर्ट इनटू एसएफबी। तो अब शिवालिक जो है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये पहला देश का ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है, जिसको कि कन्वर्ट किया जाएगा इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने वाला ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, याद रखेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, दे आर नीश बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, नीश बैंक्स होते हैं, एंड ये स्केल डाउन वर्जन होते हैं कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक जैसे ही होते हैं, डिपॉजिट टेकिंग का काम करते हैं, लोन मेकिंग का काम करते हैं, बट स्केल्ड डाउन होते हैं, है ना। ये एमएसएमईज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग से इन सबको ज़्यादातर ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फोरेक्स भी सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशंस, ये सब भी ये कर सकते हैं, ये भी याद रखेगा। एंड समय के साथ साथ ये सब चीज़ें याद रखेगा कि ये कर सकते हैं। इनको बनाया गया था, रिकमेंडेशन था नचिकेत मोर कमेटी का, नचिकेत मोर कमेटी का रिकमेंडेशन बनाया गया था। कौन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकता है, तो रेसिडेंट, ऐसा रेसिडेंट जो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो बैंकिंग एंड फाइनेंस में, दे आर एलिजिबल फॉर सेटिंग अप दिस। मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ से द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर दिस। ओके, अगर बड़ा घटा हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।